ठीक है तो आज हम बात करने जा रहे हैं पावर बीआई, पावर बीआई के बारे में। हमने कल की क्लास में बस बताया था आपको कि पावर बीआई होता क्या है, राइट? पावर बीआई होता क्या है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले पावर बीआई को जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कैसे करें, उसके प्रोडक्ट के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए पावर बीआई, जैसे मैंने बताया था, पावर बीआई क्या डेस्कटॉप वर्जन है, राइट? उसमें हमारा सर्वर, रिपोर्ट सर्वर या कंसोल कर लीजिए। पावर बीआई मोबाइल भी है, आपके पावर बीआई मोबाइल पे भी चलता है। पावर बीआई प्रो एंड प्रीमियम वर्जन भी है। तो ये सारे क्या है ना कि फीचर्स है, पावर डेस्कटॉप में कुछ कम फीचर्स है, प्रो में ज़्यादा है, प्रीमियम में उससे ज़्यादा है। मोबाइल आपका रिपोर्ट्स वगैरह मोबाइल पे देखने के लिए, पावर बीआई एम्बेडेड है किसी वेबसाइट के लिए के लिंक करने के लिए, उसे रिपोर्ट को वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं उसके लिए किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि पावर बीआई हम डाउनलोड कैसे करेंगे, राइट? देखिए पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करने के लिए कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली पावर बीआई डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पावर बीआई, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए बोलना है क्योंकि आप ऑफिस में तो चलो ठीक है आपके पास है, तो आप भी पर्सनल लैपटॉप पे भी इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ से पावर बीआई आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड करते समय ध्यान रखिएगा पावर बीआई टेक्स्ट और वर्जन को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है? अब डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना तो ये क्या करेगा, आपको इस पे स्टोर पे ले जाएगा, स्टोर। देखिए आपको यहाँ एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे जाना है जहाँ से आप पावर बीआई को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद जो नॉर्मली आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना तो वही होता है, उसमें कोई खास नहीं होता, ठीक है जी। अब दूसरा बात आते हैं कि पावर बीआई जब डाउनलोड हो जाती है तो कैसा दिखती है। तो मैं एक बार पावर बीआई आपके सामने खोल रहा हूँ, मैंने पावर बीआई खोल लिया, ठीक है? ये हमारी पावर बीआई है और पावर बीआई टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती है, तो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाता है। अब पावर बीआई अगर यूज करते हैं तो आपके पास होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का एक आईडी, पावर बीआई आईडी, क्योंकि जब आप इसको लॉगिंग करेंगे, आप देखिए सुजीत कुमार है, लॉगिंग है इसमें, अगर आपके पास लॉगिंग नहीं है तो यहाँ साइन इन का ऑप्शन देगा। ऐसा इसलिए जो आप पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन में रिपोर्ट बनाओगे, जब उसको पब्लिश करोगे तो पावर बीआई के सर्वर पे डाल देगा, जिसको आप वहाँ से शेयरिंग वगैरह, एम्बेड कोड वगैरह, वेबसाइट लिंक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये हो गए, अब इसमें आगे बढ़ते कि पावर बीआई का आईडी कैसे बनेगा। देखिए पावर बीआई की आईडी के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें पावर बीआई, हमने सेलेक्ट किया पावर बीआई, मैं खोलता हूँ यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे साइन इन आपको आ रहा होगा तो साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो सीधे आपको पावर बीआई पे चला जाएगा, ठीक है ना? बट मेरे पास तो है नहीं आईडी, तो क्रिएट माई आईडी पे क्लिक कीजिए, यहाँ कर सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको ट्राई फ्री पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? ट्राई फ्री पे क्लिक करते हैं आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पावर बीआई सिर्फ ऑफिस के लिए बना हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे कोई जैसे मैं डाल दिया आईपीटी दिल्ली 123@gmail.com डाला ना सर, डालते जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट करते ही क्या बोल रहा है, दिस ईमेल आई डी लुक्स लाइक पर्सनल ईमेल एड्रेस, एंटर योर वर्क एड्रेस सो वी कैन कॉन्टेक्ट योर अदर्स इन योर कंपनी एंड डिड नॉट वरी वी हैव नॉट शेयर एड्रेस एनीवेयर। मतलब कि आपको अगर इसको साइन अप करना है तो आपके पास एक पब्लिक डोमेन की आई डी होनी चाहिए, अगर पब्लिक डोमेन की आई डी नहीं है तो नहीं कर सकते शेयर। जैसे मैं अगर डालता हूँ मान लीजिए कि इन्फो, हालांकि वेबसाइट है नहीं, ये आई डी है नहीं, ईमेल आई डी, क्योंकि कुमार ने बना, मैं ओरिजिनल बना रखा हूँ, इन्फो आई पी टी india.com। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं, अब ये देखिए आ गया, ठीक है?
सही बात ये मेरा आईडी है ही नहीं सर, बोला फिर आपके अब आपके पास अगर आईडी ऐसी डालने से नहीं होगा सर, आप आईडी अगर डालते हैं तो फिर आपके पास क्या जाएगा, ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के डालने के बाद ही यहाँ पे आईडी क्रिएट होगा और आईडी क्रिएट होने के बाद ही फिर इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। तो पावर बीआई पे आपको लॉगिन होना जरूरी है, समझ में आ गया। तो ऑफिस का आईडी गूगल का आईडी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना उसमें? नहीं, ऑफिस का आईडी भी गूगल का आईडी तो नहीं चलेगा। तो फिर कैसे आईडी पे चलेगा सर, मतलब ऑफिस का आईडी ऑफिस में पब्लिश तो कंपनी ने पावर बीआई ले रखा है? हाँ हाँ ले रखा है। तो एक डोमेन ले रखे होंगे वो, जैसे देख रहे हमारा, देख रहे पावर बीआई एट द रेट आईपीटी दिल्ली इंडिया और microsoft.com ये मुझे दिया होगा। हम्म, तो मिला होगा, आप मांगेंगे ना, आप देखिएगा पावर बीआई लॉगिन पे, लॉगिन अगर होगा तो आपके पास ईमेल आईडी से लॉगिन होगा, ठीक है, नहीं है तो आप एडमिन से मांग लीजिएगा कि मुझे पावर बीआई की लॉगिन आईडी दे दो। जी जी ठीक है, क्योंकि मेरे ऑफिस वाले आईडी, मान लीजिए मैंने अपना आईडी आपको दिया तो आप अपने ऑफिस के लैपटॉप पे लॉगिन नहीं कर सकते, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर ऑफिस के तरफ से प्रॉब्लम। हां हां, आप पर्सनल लैपटॉप पकड़ रहा है उस पे डालना है तो मैं दे दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। इस एक ये एक दो चीजें इसके अंदर आती हैं, एक तो सर मैंने ऑफिस का आईडी से लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, एक आता है पावर बीआई सर्विस, उससे भी लॉगिन हो जा रहा है, मतलब वो भी एक ऑप्शन में आ रहा है। हाँ, मतलब कि पावर बीआई की सर्विसेज की आईडी होनी चाहिए ना, उससे होगा लॉगिन, तो ये करेक्ट होगा। अच्छा ठीक है। अब देखिए पावर बीआई आपके सामने खुला हुआ है, अब पावर बीआई खुला हुआ है तो पहले इसके बाद जान लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जैसे वो एक्सेल में शीट्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे पेजेस होते हैं जो आप पेजेस बना सकते हैं। अब एक पेजेस में कई सारे विजुलाइजेशन तैयार करके एक रिपोर्ट फॉर्मेट दे सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे तीन व्यू होता है, पहला दिख रहा है रिपोर्ट, दूसरा दिख रहा है आपका डेटा, तीसरा दिख रहा है आपका मॉडल। मॉडल इसमें क्लिक करते हैं रिपोर्ट दिखता है, इसमें क्लिक करके डेटा दिखेगा, और इसमें क्लिक करते हैं जितने भी डेटा है वो किस किस से कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है क्या, फिर मतलब बाकी जो जो भी चीजें होती है इसके साथ दिखेगा। तो ये जो दिखता है इसको कैनवेस एरिया हम लोग बोलते हैं, हालांकि इसको हम लोग रिपोर्ट एरिया भी कर सकते हैं, रिपोर्ट यहीं पे जनरेट होता है, कैनवेस भी कर सकते हैं, यहाँ से ये बनता है आपका। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका विजुलाइजेशन कि आपको कौन सा चार्ट ये क्या चीज पे प्रिपेयर करवाना है वो होता है, ये आपका फील्ड होता है जो उठा के पिवट टेबल की तरह रो एंड कॉलम में हम रखते हैं, जैसे पिवट टेबल में हम रखते थे, फिलहाल इसमें नहीं है, इसमें डेटा कनेक्ट नहीं किया है। उसके बाद आता है फिल्टर्स, तो इसमें मेन चीजें हो गया कैनवेस हो गया, फिल्टर्स हो गया, विजुलाइजेशन हो गया और फील्ड हो गया, फील्ड हो गया, और ये आपके तीन व्यू हो गए। लेकिन इसमें पावर बीआई के अंदर खुद का कुछ डेटा नहीं होता, पावर बीआई किसी डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटाबेस से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो किस किस से कनेक्ट कर सकता है, तो गेट डेटा, हालांकि जो टॉप के कनेक्टिंग है आप देख सकते हैं एक्सेल वर्कबुक से, पावर बीआई डेटा सेट से, एसक्यूएल, या कोई डेटा एंट्री करना चाहते हैं एंट्री कर सकते हैं, या फिर डेटा सर्वर से, ये नई चीज लगा उससे ले सकते हैं आप, या रिसेंट जो आपने कनेक्ट किया है वो है। लेकिन जब गेट डेटा पे आप जाते हैं तो वहाँ पे सारे टाइप्स दिख जाते हैं कि क्या क्या टाइप्स का डेटा आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ किस टाइप का डेटा हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं फाइल, तो कोई पर्टिकुलर फाइल जैसे एक्सेल की फाइल हो, नोटपैड हो, सीएसवी एक्सएमएल हो, जेएसएन हो, फोल्डर में किसी फोल्डर में डेटा पड़ा हो, पीडीएफ में हो, या आपका पैक्यूट में हो, या शेयर पॉइंट फोल्डर में हो, वहाँ से डेटा उठा सकते हैं। डेटाबेसिस की बात करें तो यहाँ पे कई सारे डेटाबेसिस को ये देख रहे हैं आप, जैसे एसक्यूएल से लेके ओरेकल से लेके आईबीएम, अमेजॉन, शैप, आपका सेल्स फोर्स, सब पे वर्क करता है, दिख रहा है आपको। पावर बीआई खुद का अपना प्लेटफॉर्म है, जैसे कि पावर बीआई डेटा सेट है, पावर बीआई डेटा फ्लो है, कॉमन डेटा सर्विसेज है, या डेटाबेसेस है, पावर बीआई प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी डेटा ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपने परचेज किया होगा तो। अब अजूरे, जैसे कि विंडोज होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, सर्वर है, ऐसे ही आपका एक अजूरे भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ही अजूरे आता है।
Azure की भी अपनी डेटाबेस सर्विसेज होती है, अगर वो है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो सारी हो गई आपकी ऑफलाइन सर्विसेज, राइट, जो आपके सिस्टम में आपके नेटवर्क में पड़ा हुआ। अब वेब बेस्ड अगर कोई है ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आता है, जैसे SharePoint, Microsoft Exchange, Dynamics, उसके बाद आपका Salesforce, Google Analytics, Adobe Analytics, Figures, GitHub, ShareFeed, LinkedIn, ठीक है ना, ठीक है, ये सारे ऑनलाइन सर्विसेज हैं। उसके अलावा आप कनेक्ट कर सकते हैं डेटा अदर्स में, जो नॉन अनकटराइज किसी वेबसाइट वेब पेज का डेटा या कोई डेटा वो डेटा फीड से या एक्टिव डायरेक्टरी से या किसी स्क्रिप्ट से, आर की स्क्रिप्ट है, पैथन की स्क्रिप्ट है, वहां से आप उसको ले सकते हैं। या आपके पास कोई ब्लैंक क्यूरी है तो क्यूरी लिख दीजिए। और क्यूरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको SQL सर्वर से डेटा आप इंपोर्ट करते हो, राइट, तो नॉर्मली अगर डेटाबेस में गए वहां से डेटा इंपोर्ट कर लिए तो क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा इंपोर्ट होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा सेल्स डेटा है, तो मैं अगर सेल्स डेटा टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो पैन इंडिया का सेल्स डेटा दे देता है जो कि करोड़ों में है। लेकिन मेरे पास कुछ कंडीशंस है कि पैन इंडिया में चाहिए, दिल्ली का चाहिए, दिल्ली के साउथ का चाहिए, इस प्रोडक्ट का चाहिए, इस डेट से इस डेट का चाहिए, ये चीजें फिर आपको पावर क्यूरी में ले जाके फिर करनी पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा हैंग होती है क्योंकि डेटा करोड़ों में हो जाने के कारण समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें हम क्यूरी में लिख देते हैं और हम डायरेक्ट क्यूरी से ही कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये हमारा डेटा कनेक्टिविटी यहाँ से आता है, राइट सर। लेकिन जब भी आप डेटा कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक बार डेटा को जरूर देखिए, क्योंकि आपका डेटा है ना तभी कनेक्ट होगा, आपका रिपोर्ट वगैरह होगा तो कनेक्ट नहीं होगा। तो डेटा कनेक्ट करने से पहले आपको एक दो तीन चीज देखना है। सबसे पहले देख लीजिए कि डेटा स्टार्टिंग वॉल्यूम्स होनी चाहिए, ठीक है, कोई कॉलम का हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए जी, डेटा में कोई एरर नहीं होना चाहिए, एरर है तो देखिए एरर है ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यहाँ टोटल आया हुआ है, टोटल भी डेटा में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। डेटा क्लीन होना चाहिए अपना, हाँ डेटा नीट एंड क्लीन कर लेंगे, हालांकि उसको पावर क्लीन भी जाएगा हम साफ कर सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे उतनी अच्छी से नहीं होती, इसलिए पहले हम डेटा को यहाँ से क्लीन कर लेते हैं, ठीक है जी जी जी। डेटा क्लीन करने के बाद फिर हम डेटा को इम्पोर्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए आ रहे हैं इम्पोर्ट डेटा पे और हमने सेलेक्ट कर लिया एंड डेटा एंड ओपन। अब एक बार हम कई सारे शीट्स को कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छा अच्छा, लेकिन फिलहाल एक ही चीज को करते हैं बस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा का प्रीव्यू दिखेगा, जो दिख रहा है प्रीव्यू आपको, बस इस पे आपको क्लिक करना होगा, जैसे क्लिक करेंगे ना तो डेटा को प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांसपोज आता है, ट्रांसफॉर्म होता है, लोड आता है, ऐसे मान लीजिए डेटा आपको ठीक ठाक लग रहा है, ओके है, तो आप लोड करते ही आपकी पावर बीआई के अंदर में आ जाएगा। लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ ना तो पावर क्यू में चला जाए, कब, जैसे मुझे लगा कि कोई कॉलम नहीं चाहिए या कोई डेटा अननेसेसरी है या डेटा सही तरीके से नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म, तो पावर क्यू में जाएगा जहाँ से डेटा को क्लीन वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोड पे करते हैं, लोड करते ही आपकी कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा, लेने के बाद लोड हो जाएगा और जितने भी फील्ड्स हैं वो फील्ड्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा देखने जाएंगे, फील्ड्स आ गए, अब फील्ड्स में देख लीजिए, और ये यहाँ पे जैसे कि रिपोर्ट व्यू है, रिपोर्ट व्यू में अगर मैं यहाँ आते हैं डेटा व्यू में तो सारे डेटा का लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक साथ कई डेटाबेसेस होगा तो यहाँ पे उसके लिस्ट बनेंगे। मॉडल में आपको इस तरह से मॉडल दिखेगा जहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं, ऑल टेबल सारे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको टाइप ऑफ द डेटा मिल जाता है, जैसे डेटा कनेक्ट किया आपने, अब यहाँ पे सम ऑफ का साइन लगा है ना, ये नंबर्स में, इसमें कुछ ही लगा वो आपका टेक्स्ट है, नहीं।
ठीक है, यही से हम लिख सकते हैं आप, राइट। तो डेटाबेस कनेक्ट कीजिए, तरह तरह के डेटाबेस को आपस में कनेक्ट कीजिए, तो उसको ट्राई कीजिए।